हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माई चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी बर्थडे गिफ्ट की रीडिंग है, क्योंकि स्कॉर्पियो मंथ चल रहा है फ्रॉम 21st अक्टूबर टू 21st नवंबर। सो ये आपकी बर्थडे के लिए आपका गिफ्ट होगा। मैं वन बाय वन हर साइन के साथ आपकी जो है रीडिंग करूँगी, बट ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। सो पहले स्कॉर्पियोज़ की एनर्जी देखते हैं कि उनके लव के हवाले से उनकी क्या एनर्जीज हैं। सो ओके, स्कॉर्पियो के लिए पहला कार्ड नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो स्कॉर्पियोज की जो एनर्जीज हैं उनमें स्कॉर्पियो के किसी से अपने लव का इजहार करना चाह रहे हैं, चाहे वो नया पर्सन है, चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। एग्जिस्टिंग पार्टनर जो आपकी लाइफ में फ़िलहाल मौजूद है, एग्जिस्टिंग पार्टनर वो पर्सन है। और हो सकता है आपका किसी से ब्रेकअप हुआ हो और वो पर्सन, अगर हम पास्ट पर्सन कहें तो वो पर्सन, पास्ट पर्सन वो भी हो सकता है जिससे आपका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, और पास्ट पर्सन वो भी हो सकता है जो आपसे कुछ काफ़ी अर्से पहले जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है। तो कोई भी हो सकता है पास्ट पर्सन, लाइक करंट पार्टनर से अगर आपकी लड़ाई भी हुई हुई है तो उसको वो भी पास्ट पर्सन की एनर्जी में आ सकता है। सो इस वक्त आप अपना लव ऑफर कर रहे हैं, आप सिंगल टाइम आपने बहुत ज़्यादा गुजार लिया। अगर आप सिंगल हैं, सिंगल स्कॉर्पियोज़ की एनर्जी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, जो सिंगल हैं और अपने और रेडी टू मिंगल हैं, जो स्टार्ट लेना चाहते हैं अपनी लव लाइफ का, वो ऑफ़र करना चाहते हैं किसी पर्सन को अपने लाइफ में एंटर करना चाहते हैं और बहुत कन्फ्यूज़ हैं वो इस हवाले से, क्योंकि उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और उनके लिए कन्फ्यूजन है कि वो किसको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करें, या फिर बहुत सारी ऑफ़र्स उनके पास हो सकती हैं, क्योंकि सिंगल लोग्स के लिए, सिंगल लोग जो होते हैं उनके पास ऑफ़र्स हो सकती हैं। और लेकिन आपके अराउंड में कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप उसे अपनी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज हैं कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। और अगर आप करंटली किसी के साथ इन्वॉल्व हैं और आपका लव रिलेशनशिप उस पर्सन से चल रहा है, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा आप उस तरफ, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और लाइक वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव पर्सन है। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील करें, एरीज लिए सजिटेरियस, और सिंगल लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि वो हो सकता है किसी फायर साइन से डील करें, और कोई वीगो भी हो सकता है, और कोई वाटर साइन भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये ओवरऑल साइन जो मैंने बताए हैं ये ओवरऑल स्कॉर्पियोज के लिए हैं। सो आपकी एनर्जी तो यही है कि आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है, क्योंकि स्कॉर्पियो का जो स्कॉर्पियोज के लिए ये टाइम जो है उनके सेल्फ में, और मंथ ऑफ नवंबर में उनके सेल्फ में, लाइक स्कॉर्पियो में न्यू मून एक्लिप्स है, और उनके जो सेवन्थ हाउस जो के पार्टनरशिप हाउस होते हैं वहाँ पे फुल मून एक्लिप्स है, तो एक्लिप्स जो है वो थ्री टाइम ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं जो सिंपल न्यू मून और फुल मून होते हैं उनसे। तो इस वक्त आगे मेजर चेंजेस आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप लाइफ में,
अगर आप सिंगल हैं तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और बहुत सारे ऑप्शंस आपके लाइफ में आ सकते हैं रिलेशनशिप के हवाले से। और जो लोग अरेंज मैरिजेस भी करना चाहते हैं तो ये जो टाइम है इसमें आपके लिए प्रपोजल्स का टाइम है, आपके लिए देखे जा सकते हैं प्रपोजल्स। लेकिन एक पर्सन है जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, या फिर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हैं, आपकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव हुई हुई है लोगों के दरमियान कि लोग आपको आपके आपकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, आपकी सेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होकर लाइक आपकी सेल्फ में एक सनशाइन लाइक आप स्पॉटलाइट में हैं इस वक्त, आप स्पॉटलाइट में हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बने हुए हैं। ओके, अगर स्कॉर्पियोज एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। स्कॉर्पियोज एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो हैंगमैन, हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियोज आप लोग अपने ऑफ़र लेके बढ़ रहे हैं उस पर्सन के पास, और जिसके लिए वो पर्सन बहुत ज़्यादा एक्वेरियस जो है वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। हो सकता है वो मेडिटेट भी कर रहे हों, मैनिफेस्ट भी कर रहे हों, और हो सकता है ये डिवाइन की तरफ से उनके लिए एक डिवाइन की तरफ से ये उनके लिए हो कि वो उनको वो वेट कर रहे हैं, और डिवाइन प्रोटेक्शन इस रिलेशनशिप में एक्वेरियस को मिल रही है, जिसकी वजह से स्कॉर्पियोज की तरफ से उनके पास जो है वो ऑफ़र आ सकती है। अगर ये ब्रेकअप की सिचुएशन है, एक्वेरियस जो है वो बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड पे हैं स्कॉर्पियोज़ के लिए, और अगर ये ऑफ़र आती है स्कॉर्पियोज़ की तरफ से तो इनके लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है, जो कि लाइक बिगेस्ट विश पूरी होने वाली बात है, और उनके लाइफ में फिर स्टेबिलिटी भी वापस आ सकती है, लाइक वो स्टेबल होंगे और नर्चर भी करने के लिए रेडी होंगे इस रिलेशनशिप को। और अगर ये नया रिलेशनशिप है स्कॉर्पियोज़ की तरफ से कोई एक्वेरियस की तरफ ऑफर जा रही है, तो एक्वेरियस भी पहले से बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। अगर ये नया पर्सन है, एक्वेरियस है और नया रिलेशनशिप है, तो अगर स्कॉर्पियो ऑफ़र कर रहे हैं, स्कॉर्पियो की तरफ से पहल हो रही है, तो एक्वेरियस भी जो है दिल ही दिल में सीक्रेटिवली बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड पे थे कि वो स्कॉर्पियोज की तरफ से वेट कर रहे थे कि उनको वो उनकी तरफ से कोई ऐसी ऑफ़र उन्हें मिले जो कि अब उनकी बिगेस्ट ख्वाहिश है। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, फुलफिल्ड हैं, और उनके लिए एक स्टेबिलिटी, ये रिलेशनशिप उनके लिए एक स्टेबिलिटी का बायस है, लाइक उनके लिए स्टेबल रिलेशनशिप है, वो इसमें हैप्पी हैं, जो कि उनकी ख्वाहिश थी स्कॉर्पियोज़ की तरफ से पहल होना या उनको उनकी तरफ से ऑफ़र मिलना एक्वेरियस के लिए। सो आप लोगों के रिलेशनशिप में एक अच्छा चांस है, रिलेशनशिप का टाइम आप लोगों के लिए अच्छा चल रहा है स्कॉर्पियोज़। सो अब देखते हैं कि नेक्स्ट